Hello everyone, welcome to Satyam classes. As you all know, we have learnt about articles. Okay, then we are gonna complete our some MCQs which is related to articles, and now we are going to solve this together. So here is your questions. Question number first, dash Second World War ended in 1945. Second World War ended in 1945. War. अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर होना चाहिए कौन सा आर्टिकल, ए होना चाहिए, एन होना चाहिए, द होना चाहिए या नन होना चाहिए। जितने लोगों को लगता है यहाँ पर ए होना चाहिए वो आंसर उनका गलत है। जितने लोगों को लगता है द होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, ये भी पॉइंट है, क्यों होना चाहिए, व्हाई? बिकॉज इफ यू फाइंड अ वर्ड लाइक वॉर, रेवोल्यूशन, मूवमेंट, देन यू विल पुट द एज अ आर्टिकल, एज एन आर्टिकल। आपको पढ़ाया गया है कि जब भी आपको कोई वर्ड मिलेगा जैसे कि वॉर, मूवमेंट, मूवमेंट या फिर रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन, तो आप वहां पर कौन सा आर्टिकल यूज करते हो, आप वहां पर द आर्टिकल यूज करते हो। इस वजह से आपका द आर्टिकल यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर टू, आई नीड बॉटल डैश बॉटल ऑफ वाटर, बॉटल ऑफ वाटर, आई नीड बॉटल ऑफ वाटर। यहां पर आपका कौन सा आर्टिकल सही होगा, ए सही होगा, एन सही होगा, द सही होगा या फिर नन सही होगा। जितने लोगों को लगता है ए होगा, एन होगा, उतने लोगों के आंसर गलत है। लेकिन अगर किसी, सॉरी, जितने लोगों को लगता है कि एन होगा, द होगा, उतने लोगों के आंसर गलत हैं। लेकिन जितने लोगों को लगता है कि ए होगा उतने लोगों के आंसर सही हैं। क्यों? आप लोगों को फ्रेजेस का नाम सुना सुना लगता होगा, आप लोगों को फ्रेज नाम सुना सुना लगता होगा। जैसे आप लोगों ने सुना है अ लॉट ऑफ टाइम, सुना है अ लॉट ऑफ मनी, सुना है। ये दोनों वर्ड्स आपको मेंशन यहाँ पर किए गए हैं और ये दोनों आप लोगों ने सुने हैं, तो ये भी एक तरह का फ्रेज है। अ बॉटल ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ वाटर, यहाँ पर आर्टिकल आप अ यूज करेंगे क्योंकि अ बॉटल ऑफ वाटर भी एक तरह का फ्रेज है। क्लियर है? आई हेट वायलेंस, बीच में डैश है, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा। किसी का लगता होगा कि ए होगा, किसी को लगता होगा एन होगा, किसी को लगता होगा द होगा, किसी को लगता है कि नन तो होगा ही नहीं, लगता है ना, गलत लगता है। जितने लोगों को लगता है कि आपके ये आर्टिकल्स लगेंगे वहां पर, यहाँ पर अप्लाइड होंगे, उतने लोगों के आंसर्स रॉन्ग हैं। आंसर है आपका नन। क्यों? वायलेंस क्या है? एक तरह की भावना है। क्या है? इमोशन है, इमोशन है, और इमोशन आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, और किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो। इस वजह से यहां पर कोई भी आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? म्यूनिक लाइज इन डैश साउथ ऑफ जर्मनी, अंडरलाइन इसलिए ताकि थोड़ा आपको फोकस रहे कि हम अंडरलाइन कर क्यों रहे हैं। ऑप्शंस देखते हैं, ए, एन, द या फिर नन, क्या होगा? टाइम आप देखते हैं आंसर। यहां आंसर होगा आपका द,
जितने लोगों को लगता है द होगा, तो वो कितने लोगों को लगता है कि वहां द क्यों होना चाहिए? रीजन तो होना चाहिए। अगर आप कोई आर्टिकल लगा रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन आपके पास होना चाहिए। रीजन क्या है? आपको पता है कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जर्मनी एक तरह का प्रॉपर नाउन है, लेकिन साउथ ऑफ भी उसके साथ एडेड है। और आपको पता है कि जैसे जब ईस्ट लिखा होता है तो हम वहां पर दी यूज करते हैं, द वेस्ट यूज करते हैं, वेस्ट के साथ द यूज करते हैं। जर्मनी के दक्षिण हिस्से की यहां बात हो रही है। साउथ ऑफ यानी जर्मनी का दक्षिण भाग, दक्षिण हिस्सा। तो आपको पता है नॉर्थ के साथ भी हम द यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि साउथ के साथ भी द यूज होगा। अगर सिर्फ यहां जर्मनी मेंशन होता तो आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, बट यहां पर साउथ ऑफ मेंशन है, इस वजह से आप द यूज करोगे। इज दैट क्लियर? मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And here is your next question. And what is this? Denver is located at the foot of Rocky Mountains. ठीक है, misprint था, इसको सही कर दिया हमने। Denver is located at the foot of Rocky Mountain. अब आपको पता है mountain, फिर से हम यहाँ पे underline कर रहे हैं mountains पे। कुछ याद आया? पढ़ा हुआ है आप लोगों ने article? यहां पर कौन सा आर्टिकल अप्लाइड होगा? ए, एन, द या फिर नन ऑफ दीज? यहां आपका अप्लाइड होगा आंसर द। क्यों? आपको पता है कि जब रेंजेस की बात होती है, रेंजेस या फिर चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन ऑफ माउंटेन्स, रेंज या चेन श्रृंखला दोनों का मतलब होता है। ठीक है, जब चेन ऑफ माउंटेन्स या फिर रेंजेस की बात होगी तो आप वहां पर द यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कई सारे पहाड़ जो होते हैं इंक्लूड होते हैं, उनसे कई सारी पहाड़ निकले होते हैं, इंक्लूड होते हैं। इस वजह से यहाँ पर माउंटेन अगर सिर्फ लिखा होता तो ये सिर्फ एक सिंगल माउंटेन होता, एक सिंगल पहाड़ होता, लेकिन एस यहाँ मेंशन है, यानी कि ये प्लूरल हो गया, यानी कि बहुत सारा हो गया। तो जो भी आपने पढ़ा है, द हिमालयाज पढ़ा है, हिमालयाज, यहां पर भी एस लिखा हुआ है, यानी कि ये भी रेंज है, एस है। बहुत सारे हिमालय के जो श्रृंखलाएं हैं बहुत सारी हैं, इसलिए हिमालय को माउंटेन रेंज की श्रेणी में रखा जाता है। आपका जो माउंट एवरेस्ट है, जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट है वो आपका माउंटेन पीक है। जब बात होगी माउंटेन पीक्स की तो आप वहां पर कोई भी आर्टिकल अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन जब बात होगी रेंजेस की या फिर आप कह सकते हैं चेन ऑफ माउंटेन्स की, तो आप वहां पर द अप्लाई करोगे, लाइक द हिमालयाज या फिर द अल्प्स। क्लियर है? लेकिन माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट आबू जब मेंशन होगा किसी सेंटेंस में, तो आप वहां पर ये गेस करोगे कि ये तो पीक्स हैं, और किसी भी पीक्स के पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। यहाँ पे ऑलरेडी माउंटेन मेंशन है, आप गेस कर सकते हो कि ये पीक की बात कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश, नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो ऑप्शन क्या फिलअप होगा यहां पर? ए होगा, एन होगा, द होगा या फिर नन होगा? यहां पर आपका ऑप्शन होगा द। क्यों? आपको बताया जा चुका है कि रिवर्स हो या फिर सीज हो
या फिर ओशंस हो, ओशंस हो, या फिर आपकी कुछ लेक्स हो, लेक्स हो, जो कुछ पर्टिकुलर सी चीज़ें हैं उनके पहले आप हमेशा द मेंशन करते हो। यहाँ पे रिवर की बात हो रही है और हमने बताया कि रिवर्स के पहले, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है द गंगा, द यमुना, द गोदावरी एंड द सतलज पढ़ा है, तो उनके पहले आप लोगों ने द मेंशन किया है, तो यहाँ आप फिलअप करोगे द, यानी कि दी नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नील नदी कहाँ पर है? मिस्र में है, ठीक है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये क्वेश्चन हमेशा आपके जीके के लिए पूछा जाता है, इसलिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट। डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है, डिजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और डिजर्ट मतलब मीठा भी होता है, लेकिन वहां पर डबल एस होता है, क्लियर है। साउंड सेम आता है थोड़ा सा, लेकिन स्पेलिंग चेंज हो जाती है। आपका यहां पर ऑप्शन है ए, एन, द या फिर नन। आपका ऑप्शन यहां पे राइट होगा द। क्यों? आपको पढ़ाया गया है कि डिजर्ट के पहले हमेशा द आर्टिकल यूज होता है, तो द सहारा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजर्ट, क्लियर। लुक एट दिस, दिस एनीवन, व्हाट इज दिस? माउंट, आई टोल्ड यू बिफोर, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। माउंट, पहले ही हमने आपको बताया है कि जब आपको माउंट पहले हो गया क्लियर, तो आप वहां पर एक्स यूज करोगे, कट, सॉरी, एक्स के बारे में मत सोचिए, यहां एक्स का मतलब दूसरा कुछ है। तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, आप यहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंटेन पीक है। और इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर कि किसी भी माउंट के पहले जो कि सिंगल हो, सिंगल मिंगल, जो कि सिंगल हो, तो जो सिंगल माउंटेन होगा, वो पीक जो होगा, उसके पहले आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हो। जैसे हमने बताया माउंट एवरेस्ट जो है वो भी पीक है, और माउंट आबू जो है वो भी पीक है, इस वजह से यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं लगेगा। सॉरी, ये प्रेजेंटेशन गलत है, यहाँ पर ये होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट वॉट आई लाइक मोस्ट इज हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है सब्जेक्ट। आपको पता है कि किसी भी लैंग्वेज या सब्जेक्ट के पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पर हिस्ट्री इंडिकेट करता है इतिहास को, एक पर्टिकुलर सी चीज है जो इस देश में हुई है, इसका इतिहास बना है। जैसे भारत का इतिहास है, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स का भी इतिहास है, क्लियर है। तो इसका आप क्या ऑप्शन पुटअप करोगे? इसका आंसर होगा द, और द यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में यूज होगा, फर्स्ट सेंटेंस में कट होगा, क्रॉस होगा, क्योंकि लैंग्वेजेस के पहले आप कभी भी, और सब्जेक्ट्स के पहले आप कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हो, बट आप यहाँ पर द इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स मेंशन है, मतलब यहाँ पर कुछ हुआ है, एक पर्टिकुलर चीज हुई है यहाँ पर, जो एक इतिहास की रचना करती है, और उसके बारे में आप उस चीज को पसंद करते हो, क्लियर है। ये चीज रियल है, ये चीज हो चुकी है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है,
हिस्ट्री यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ऐसे आपको दिख रहा है हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन किसी सब्जेक्ट या लैंग्वेज के पहले आप कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हो, बट यूनाइटेड स्टेट्स का कोई एक इतिहास रहा है जिसके बारे में आपको कुछ चीजें पसंद है, ठीक है, इस वजह से आप यहाँ पर द यूज कर रहे हो। मून गोज अराउंड अर्थ एवरी 27 डेज, यहां पर आप क्या यूज करोगे, ए यूज करोगे, ए द यूज करोगे, द यूज करोगे, द क्रॉस क्या यूज होगा, आप यहां पर यूज करोगे द एंड दी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है मून और अर्थ जो है एक हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है, जैसे द सन खगोलीय पिंड है, या कहिए कि हेवनली बॉडीज हैं जिनके पहले आप आर्टिकल द यूज करते हो, कुछ स्पेसिफिक चीजों के पहले आप द यूज करते हो, तो आप यहां पर द मून लिखोगे, बट यहां पर द अर्थ बोलोगे, क्यों, क्योंकि मून यानी म से स्टार्ट है, आपका व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट है, इस वजह से आप यहाँ पर द यूज कर रहे हो, और अर्थ जो है आपका ई से भी स्टार्ट है यानी वॉवेल है, और अ से भी स्टार्ट है यानी वॉवेल है, इसलिए यहाँ पर आप जो प्रनाउंस करोगे वो होगा दी, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, द मून गोज अराउंड दी अर्थ एवरी 27 डेज। Do you know who invented camera? यहां पर आपका कौन सा ऑप्शन पुटअप होगा, तो आपका ऑप्शन पुटअप होगा, एनी आइडिया, आपका ऑप्शन पुटअप होगा द, क्यों, इन्वेंशन है, इन्वेंशन है, और किसी भी इन्वेंशन के पहले आप हमेशा द यूज करते हैं, जैसे आपने सुना है द रेडियो, सुना है, तो रेडियो का भी इन्वेंशन हुआ है, उसी तरह कैमरे का भी इन्वेंशन हुआ है, तो जब कुछ भी इन्वेंटेड चीज आपको मिलेगी तो आप उसके पहले द यूज करते हो, बट लेकिन अगर यहाँ पर कैमरा की जगह कोई और इन्वेंशन होता, जैसे मान लीजिए जो स्टार्ट होता किसी वॉवेल से, तो आप वहां पर ए या एन यूज करते अकॉर्डिंग टू कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल, क्लियर है, लेकिन यहाँ पर वॉवेल यूज हो रहा है इसलिए आप यहाँ पर दर्ज करके पर्टिकुलर केस के लिए है, पर्टिकुलर केस के लिए है, ठीक है, ये जनरली आप यहाँ पर द यूज करोगे, क्लियर। हरी अप, वी डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम, इफ यू रिमेंबर हमने पहले कहा जब आपको कोई फ्रेज मिलेगा तो आप वहां पर कौन सा आर्टिकल पुटअप करते हो, वेरी गुड, आप वहां पर ए यूज करते हो, जैसे आपने अभी पढ़ा अ बॉटल ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ मनी, हमने मेंशन कराया था, यहां पर आपको देखिए वो चीज मिल गई, अ लॉट ऑफ टाइम, तो आप यहां पर फिलअप करोगे अ, क्लियर है। लुक एट एप्पल्स ऑन दैट ट्री, दे आर वेरी लार्ज, आप यहां पर कौन सा आर्टिकल अप्लाई करोगे, वेरी गुड, द यूज करोगे, क्यों, क्योंकि जो पेड़ है एक पर्टिकुलर चीज है, ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज है जिसको आप शो करा रहे हो किसी को कि लुक एट द एप्पल्स, उस पेड़ की, उस पेड़ के एप्पल्स को आप शो करा रहे हो किसी और को और तारीफ कर रहे हो कि ये बहुत बड़े हैं, एक पर्टिकुलर की चीज को आप शो अप करा रहे हो, इस वजह से आप यहाँ पर लुक एट द एप्पल्स करो, वो आपके जस्ट नजरों के सामने है, ठीक है, इस वजह से वहां पर लुक एट द एप्पल्स। माई नेबर्स विजिट चर्च एवरी संडे, कितने लोगों को लगता है यहां पर द होना चाहिए, हमें भी लगता है यहां द होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, क्यों, इसका ऑप्शन होगा नन, क्यों नहीं होगा, चर्च जाने का क्या मकसद होता है, कोई स्पेसिफिक रीजन, चर्च क्यों जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, वेरी गुड, आप टेंपल जाते हो, मंदिर जाते हो, तो वहां पूजा करने के लिए जाते हो, जैसे आप लोगों ने सुना है ही वेंट टू द टेंपल, ठीक है, वो पूजा मंदिर जाता है, टू द यहां लग गया,
ठीक है, मंदिर जाता है तो मतलब उसका रीजन होगा क्यों जाता है, चर्च ही आदमी जा रहा है तो क्यों जा रहा है, दोनों का रीजन होता है वर्शिप, यानी कि पूजा करना। लेकिन यहां पर विजिट तो लिखा है, लेकिन इसके पहले कोई रीजन नहीं लिखा हुआ है, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं लिखा है कि वो चर्च क्यों जा रहा है वर्शिप। वो जो उनके पड़ोसी हैं वो चर्च जा तो रहे हैं हर संडे, पर क्यों जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर रीजन है नहीं। जब तक कोई पर्टिकुलर रीजन आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप कोई भी आर्टिकल मेंशन नहीं करोगे, आप वहां पर नन यूज करोगे। क्लियर। हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स एप्पल्स, पजेसिव केस, पजेसिव केस है तो कुछ याद आ रहा है, यहां पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, नन का ऑप्शन होगा। कितने लोगों को लगा था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, सूट ही तो नहीं कर रहा है। अगर आप इसको पढ़ लीजिए, हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स द एप्पल्स या इट्स अ एप्पल्स या इट्स एन एप्पल्स, सूट भी तो नहीं कर रहा है। वैसे सूट के चक्कर में कभी कभी गलत हो जाता है सेंटेंस, तो इसका रीजन देखते हैं क्या। जब आपको कोई पजेसिव केस मिलेगा तो आप वहां पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे, आप वहां पर नन यूज करोगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो एप्पल्स को ओन कर रहा है, ओन कर रहा है, ओनर है, ठीक है। वो एक पजेसिव केस डिनोट कर रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो सेब होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो हिमाचल प्रदेश सेबों की वजह से जाना जाता है। जैसे आपका ताजमहल आगरा में है और आगरा में ताजमहल है, इसलिए आगरा बहुत फेमस है यूपी में, तो एक पजेसिव केस हो गया। समझ में आया। जब कहीं की कोई चीज बहुत फेमस होती है तो वो चीज उस चीज को ओन करता है। जैसे आपके इंडिया में गंगा नदी बहती है तो वो इंडिया को ही तो शो अप करेगी। आपके इंडिया में ताजमहल है तो वो उस चीज़ को ओन कर रहा है, उस चीज़ के लिए जाना जाता है। भारत को ऐसे भी जान सकते हैं कि भारत में ताजमहल है, तो उस चीज़ के लिए वो प्रसिद्ध है, ओन कर रहा है, उसका पजेसिव केस है, उस पर उसका अधिकार है। इस वजह से जब आपको कोई पजेसिव केस मिल जाएगा तो आप वहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करोगे। ये था आज का आपका आर्टिकल का सेशन। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होंगी, तो अपने कमेंट्स कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बाय।